भिंड जिले की सभी तहसील महगांव, लाहार, अटेर, गोरमी, रोज, मो, पिपलिया, मिहोना व गोहद में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। भिंड में 5 फरवरी को सीएम शिवराज सिंह की विकास यात्रा पर बोले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम की विकास यात्रा को बताया विनाश यात्रा। किसान और युवाओं को बर्बाद कर दिया, यह विकास यात्रा नहीं विनाश यात्रा है। नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने हित में किया है। कार्यक्रम में हर आदमी को बुलाना, गाड़ियां लगाना और खाना खिलाना, पूरे खजाने को खोखला करना, यह भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम बन चुका है। नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश की जनता गर्त में जा चुकी है। 4 लाख से अधिक का कर्जा हो चुका है। शिवराज सिंह शासकीय धन का दुरुपयोग करते हुए सत्ता में काबिज करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश की जनता समझ चुकी है लोहा गर्म है, सिर्फ हथौड़ा चलाना बाकी रह गया है। एक शादी समारोह कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान बोले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह। टीम भारतीय न्यूज। शिवराज सिंह की विकास यात्रा है, 5 तारीख को भिंड में शुरुआत की जा रही है, क्या है? अब सरकार ने जो काम किए विकास यात्रा पूरे समाज, किसानों को, नौजवान छात्रों के साथ कुछ नहीं किया, पूरा पूरे बर्बाद कर दिया है। मैं कहता हूँ विकास यात्रा नहीं विनाश यात्रा भिंड से शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी का विनाश भिंड से ही प्रारंभ हो। 5 रथ बनाए प्रशासन ने सभी जिलों में, हर विधानसभा में भेजने के लिए रथ वैसे विनाश करके छोड़ेंगे पूरे प्रदेश। आखिर में उन्होंने भिंडी क्यों चुना? नेता प्रतिपक्ष को वो मुकाबला मानते हैं? इस बात वो शिवराज सिंह से पूछ सकते हो। ईडी का फर्जी नोटिस दिया गया है, उसमें कोई उल्लेख नहीं किसी प्रकार। 2019 का ऑडिट मैंने बोल दिया, ईडी कोई दुनिया की ताकत मेरे को नीचे नहीं दिखा सकती। सरकार आपकी बन रही है 1000%। कितनी सीटें लेके आ रहे, कितना बहुत? हम लोग किसी ज्योतिष से पूछो बहुत बढ़ेगा। जो जी हैं शास्त्री जी को लेके बहुत चर्चा है आजकल, वो सनातन की बात कर रहे हैं। अब शास्त्री जी हम बात कर रहे हैं, उनको CRP सुरक्षा दे दी गई। मुझे जो कुछ कहना था कह दिया। जो भी 5 तारीख यात्रा है उसमें से बता रहे हैं सरकारी खर्च से पूरा कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। पूरा प्रदेश को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के हित में किया है। हर काम के लिए लोगों को बुलाना, गाड़ियां लगाना, खाना खिलाना और पूरा खजाना को खोखला करना, ये भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र कार्यक्रम बन चुका है। प्रदेश की जनता गर्त में जा चुकी है। 4 लाख से अधिक प्रदेश पर कर्जा हो चुका है, लेकिन शिवराज सिंह सास की धन का दुरुपयोग करते हुए सत्ता में काबिज करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता इनके सब 15-17 भागों को समझ चुकी है। इस बार जनता तैयार बैठी है, लोहा गर्म है, हथौड़ा चलाना बाकी रह गया। चमन संभाग के सभी सीओपर वगैरह सब बुलाया जा रहा है। आओ नहीं, अरे आओ, ऐसी बात कर रहे हैं यार। Subscribe now to most exciting channel ever.